नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। आज मोहम्मद मुश्ताक खान ने बेटी के अधिवक्ताओं के साथ पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की उपस्थिति में डाक बंगलो पुंछ में PDP में शामिल हुए। अधिवक्ताओं के अलावा तहसील हवेली के कुछ अन्य व्यक्ति भी मुश्ताक खान 8 के माध्यम से PDP में शामिल हुए। इसके बाद श्री खान ने मीडिया के सामने एक सम्मेलन आयोजित किया। श्री मुफ्ती मोहम्मद के कार्यकाल के दौरान विकास कार्य, मुगल रोड के उद्घाटन, मंडी कलानी जल विद्युत परियोजना की स्वीकृति, मंदार सुरन कोट आदि में शासकीय डिग्री महाविद्यालय की स्वीकृति से अवगत कराया। सईद जो वर्ष 2002 से 2008 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की विचारधारा और 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यों से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के संबंध में उनके रुख की भी सराहना की। श्री खान को उम्मीद है कि वह और उनकी टीम उनके प्रति बहुत ईमानदार और वफादार होगी। पार्टी PDP और महबूबा मुफ्ती की पूर्व CM के मार्गदर्शन और परिवेशन में जिला पुंछ के विकास के लिए एक टीम वर्क करेगी। अंत में उन्होंने आम जनता से अपील की, जिनका किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, वे आगे आए और PDP में शामिल हो और जम्मू कश्मीर के सभी जिलों के विकास के लिए कड़ी मेहनत करे, जिसमें जिला पुंछ भी शामिल है। हम लोगों ने बड़ी डिबेट और डिस्कशन के बाद ये महसूस किया कि कौन किस पार्टी को हम ज्वाइन करें, क्योंकि लॉयर्स जो है इनको पिलर्स ऑफ द नेशन कहा जाता है। अगर वो वकालत के अलावा सियासत में नहीं है तो मेरे ख्याल में खाली लॉयर अपने आप को कन्फाइंड एज ए वकालत में रखना वो भी कोई बड़ी बात नहीं। हमने एक चीज़ देखी, पूंछ रजौरी रियासत के दो डिस्ट्रिक्ट हैं, बॉर्डर रिमोट एरियाज के दो डिस्ट्रिक्ट हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट 47 से लेकर आज तक हमने देखा, जहाँ तरक्की के हवाले से बात करें तो मेरे ख्याल में रियासत में सबसे पसमानदा पीछे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट पूंछ व रजौरी रहा है। इसको इग्नोर किया गया है, पोलिटिकली इग्नोर किया गया थ्रू आउट 47 से लेकर आए। खैर, राजौरी को तो अलग कर दिया। जहां तक पुंछ की बात हम कर रहे हैं तो मुफ्ती साहब के हमने देखा पिछली थोड़ी सी बैकग्राउंड, 2000 जब मुफ्ती साहब पहली बार रियासत में चीफ मिनिस्टर बन के आए, इलेक्शन जीता उन्होंने, तब से हमने देखा कि केजरीवाल के पैटर्न पे उन्होंने 100 दिन के अंदर, 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर पुंछ और राजौरी की तरफ, बिलखसूस पुंछ की तरफ कितनी तवज्जो दी। तो चंद उनकी काम जो है वो मैं आपके सामने गिनवाता हूँ। इन चीज़ों के को मद्देनजर रखते हुए महबूबा जी की जो आइडियोलॉजी है कश्मीर इशू को लेके, जैसे 5 अगस्त को जब हमारा 370 और 35A को जब यहाँ से हटाया गया रियासत से, तो हटाने के बाद जो ऑल पार्टीज की मीटिंग सेंटर में बुलाई गई मोदी जी ने, तो उसके अंदर महबूबा जी का वही स्टैंड कश्मीर में था, वही पुंछ के अंदर था, वही जम्मू में था, वही उन्होंने दिल्ली के अंदर वही एक स्टैंड रहा है। तो हमें लगा वो लोग, जिन लोगों का कुछ किरदार है, जिन लोगों के कुछ असूल हैं, जो लोग बिकने वाले नहीं हैं, जिनका एक स्टैंड है, उनका सिर्फ ये कहना है कि सारा काम जो है वो डायलॉग से होगा। तो सर, BJP के साथ वो हुकूमत में भी रहे हैं, उसके हवाले से आप क्या कहें? देखिए, वो उस वक्त वो उनकी गलती थी जो BJP के साथ, कोई गलती नहीं थी, उनकी एक सियासत थी। मौलवी साहब सॉरी मुफ्ती साहब बड़े विजनरी आदमी थे, उनके जहन में एक बात थी, एक एजेंडा था, चूंकि BJP का एक एजेंडा रहा है कि 370 के लिए उनका बड़ा पुराना ये एक नारा था इसको ख़त्म करने का, और मुफ्ती साहब ने यह सोचा कि इनसे मिलकर एक दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और रियासत को बचाएंगे। जो इनका एजेंडा है वो टर्म्स एंड कंडीशन में था कि आप इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करें जब तक मुफ्ती साहब रहे, और BJP ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। मुफ्ती साहब की जब सरकार चलेगी, जो विड्रॉ हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन खत्म हो गई, उसके बाद उन्होंने अपने एजेंडों को लागू करने की कोशिश की। मुफ्ती साहब का कोई गलती का सर, आने वाले टाइम में आपका पुंछ के लिए क्या एजेंडा रहेगा, खासकर डेवलपमेंट के हवाले से? देखिए, मैं दो चीज़ें बताऊँ। ये मुफ्ती साहब थे जिन्होंने संघ बुनियाद अपनी मुगल रोड का रखा, ये सिर्फ मुफ्ती साहब का देन है। उसके बाद देखें, उससे पहले देखें कि यहाँ सिर्फ 33 KV लाइट हुआ करती थी, सिर्फ मोमबत्ती की तरह लाइट जला करती थी। यहाँ पे 132 KV तक की लाइट की जो जनरेशन हुआ है वो मुफ्ती साहब के ज़माने में हुआ। मंडी को तहसील बनाया गया, मुफ्ती साहब के ज़माने में हुआ है। यहाँ पे मंडी कुलानी प्रोजेक्ट, हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया गया है, वो मुफ्ती साहब का। ये कोशिश रहेगी कि जिस तरह से मैंने महबूबा जी के सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू रखा था कि जो लोकल, जिन लोगों के जो काम है, आप 2 महीने के बाद एक जिस तरह से कोर्ट के अंदर एक लोक अदालत लगती है, लोगों के फैसले होते हैं, डिस्पोजल केसेस के होते हैं, आप यहाँ बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन को बुला के जब आप पावर में आएंगी, बैठ के लोगों के जितने फैसले हैं छोटे मोटे काम का वो डिस्पोज ऑफ करें, उनको रिलीव करना। और खासकर सर, जो करप्शन जो आए दिन बढ़ रही है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जो महबूबा जी ने भी कल बयान दिया करप्शन के ऊपर, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, करप्शन बहुत पीक पे बढ़ चुकी है, और करप्शन की वजह से उन्हीं लोगों के काम होते हैं जो पैसे देते हैं, और बाकी लोगों के साथ इनजस्टिस होता है, नाइंसाफियाँ हो रही हैं।
तो मेरा ये कहना है पार्टी की तरफ से भी और महबूबा जी का भी जैसे ये कहना है कि करप्शन को हमारी बेस्ट ट्राई होगी, इसके खिलाफ ऑलरेडी कानून है, लॉ है, इसको इंप्लीमेंट बड़े स्ट्रिक्टली किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में बड़ा मतलब अवेयर करवाया जाएगा कि जो करप्शन लेते या देते पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ और संगीन से संगीन सजा होगी उसके खिलाफ कार्रवाई। आनाइन भारत के लिए सुनील आनंद की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं आनाइन भारत। अब आप आनाइन भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ आनाइन भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।